नमस्कार मित्रों, मैं हर्ष रॉय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक और नए कमाल के फ्रेश वीडियो में। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ टॉप स्मार्टफोन्स अंडर 10,000 रुपीज़। जी हाँ मित्रों, 10,000 से अंदर जो कमाल कमाल के स्मार्टफोन्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। वैसे भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में आपको 10,000 से कम प्राइस में बहुत सारे स्मार्टफोन्स देखने को मिलते हैं। अगर आप लिस्ट बनाइएगा तो लगभग 10-12 नाम तो ऐसे ही सामने निकल के आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ चुनिंदे नाम लूंगा जहाँ पे मैंने 3 स्मार्टफोन्स को शामिल किया। वैसे और भी कमाल के हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 3 स्मार्टफोन के बारे में बात करूंगा। आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप इस प्रकार के वीडियो देख पाएं। नंबर 1, इन्फिनिक्स S4। दोस्तों, 10,000 से कम प्राइस में इन्फिनिक्स कमाल कमाल के स्मार्टफोन्स को आजकल लॉन्च कर रहा है। इन्फिनिक्स का ये जो नया स्मार्टफोन इन्फिनिक्स S4 बड़ा ही कमाल का डिवाइस है। आपको यहाँ पे 3 GB की रैम, 32 GB की इनबिल्ट स्टोरेज का जो वेरिएंट है वो आपको देखने को मिलेगा 7,999 रुपए के प्राइस में। आपको यहाँ पे देखने को मिलता है 6.2 इंचेस की एक 19.5:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला HD+ डिस्प्ले। आपको रेजोल्यूशन बहुत कमाल का देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ऑन एवरेज ठीक ठाक सा देखने को मिलता है प्राइस के हिसाब से। आपको हीलियो का P22 प्रोसेसर देखने को मिलता है, एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। आपको कमाल की बात यह बता दूं कि इस डिवाइस के कैमरे में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। जी हाँ, 13+8+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप आपको यहां देखने को मिलेगा, और फ्रंट कैमरा भी आपको बड़ा ही कमाल का देखने को मिलेगा। 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है जिसके माध्यम से बड़े ही कमाल की सेल्फी ले सकते हैं और वीडियो वगैरह को भी फ्रंट कैमरे से शूट कर सकते हैं। तो कमाल का फोन है। आपको यहां पे 4000mAh की बैटरी भी देखने को मिलेगी और डिवाइस का प्राइस भी अधिक नहीं है। तो ऐसे में अगर आप चाहें 10,000 से कम के प्राइस में तो इसे कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे जो अगला डिवाइस सामने निकल के आता है वो है Realme की ओर से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ Realme 3 डिवाइस के बारे में। Realme 3 हाल में ही लॉन्च किया गया है, बड़ा ही कमाल का डिवाइस है। आपको यहाँ पे देखने को मिलता है 6.2 इंचेस की 19.5:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला एक HD+ डिस्प्ले। सेम सा डिस्प्ले आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। रेजोल्यूशन कुछ खास नहीं है, लेकिन ओवरऑल आपको जो डिस्प्ले है वो ठीक देखने को मिलेगा। IPS LCD पैनल है इसके कारण। आपको बताना चाहूंगा बटर ड्रॉप नॉच आपको इस डिवाइस के डिस्प्ले में देखने को मिलता है। अगर कैमरे की बात करें तो 13+2 मेगापिक्सल का आपको ड्यूल रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा 13 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरे के साथ। 4230mAh की आपको बैटरी देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पे MediaTek का Helio P70 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। डिवाइस में आपको 3 GB की रैम, 32 GB की इनबिल्ट स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। आपको इसके लिए प्राइस पे करना होगा लगभग 8,999 रुपया। डिवाइस का जो डिज़ाइन वगैरह है वो भी बड़ा कमाल का है। 10,000 से कम प्राइस में ये भी एक कमाल का डिवाइस है। प्रोसेसर वगैरह आपको यहाँ पे बहुत तगड़ा देखने को मिल रहा है। अंतिम डिवाइस यहाँ पे सामने निकल के आता है सैमसंग की ओर से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी M20 की। इस डिवाइस के लिए आपको पे करना होगा लगभग 9,990 रुपया। 3 GB की रैम, 32 GB की इनबिल्ट स्टोरेज के साथ आपको इस वेरिएंट का देखने को मिल जाएगा इस प्राइस रेंज में। कमाल की बात मैं आपको बता दूं, इस प्राइस रेंज में एक लौता स्मार्टफोन है जहां पे आपको फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा। जी हाँ, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है 6.3 इंचेस की 19.5:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला एक फुल HD+ डिस्प्ले। डिस्प्ले का रेजोल्यूशन बड़ा ही कमाल का है और डिस्प्ले से जो आपको आउटपुट देखने को मिलेगा वो भी बड़ा बेहतर देखने को मिलेगा। सिर्फ हल्का सा यहाँ पे प्रोसेसर में आपको हल्का सा कमी देखने को मिल जाएगा। Exynos का 7904 प्रोसेसर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो डिवाइस है एक बेहतर डिवाइस है। 13+5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा देखने को मिलता है। आपको यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। कमाल की बात बता दूं, आपको यहाँ पे बैटरी लाइफ है वो बेहतर देखने को मिलेगी, लॉन्ग लास्टिंग, क्योंकि 5000 mAh की आपको यहां पे एक बैटरी देखने को मिलती है। तो ओवरऑल ये कुछ 3 कमाल के स्मार्टफोन्स थे जो 10,000 रुपीज के कम में आपको बेहतर देखने को मिलते हैं। आप चाहे तो इसे कंसीडर कर सकते हैं, भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में उपलब्ध हैं। वैसे इनसे कम प्राइस में बहुत सारे अभी डिवाइसेस उपलब्ध हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ चुनिंदा का नाम लिया। एग्जांपल के तौर पे अगर आप बात करें तो LG के बहुत सारे डिवाइसेस आ चुके हैं। LG ने हाल में अपने एक नए डिवाइस के साथ कमबैक किया है। आपको SS के कुछ डिवाइसेस देखने को मिलते हैं, Honor के कुछ डिवाइसेस देखने को मिलते हैं, Realme के एक Realme 3 आई है। तो ओवरऑल बहुत सारे डिवाइसेज हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ 3 को पिकअप किया जो काफ़ी हद तक मेरे को बहुत बेहतर लग रहा था। एक कैमरे के मामले में बहुत बेहतर डिवाइस है, एक डिस्प्ले के मामले में बहुत बेहतर डिवाइस है, एक में आपको प्रोसेसर बेहतर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैंने इस लिस्ट को तैयार किया था। तो मुझे उम्मीद है आज का वीडियो को पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को। इस वीडियो में इतना ही मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।